नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पटना। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और हमारी बिहार की जो चुनावी चर्चा है वो पहुंच चुकी है जावर गांव में। जावर गांव भी बाढ़ पीड़ित गांव है, यहां पे भी लोग बाढ़ से दो चार होते हैं और हर उस परेशानी से हर साल जूझते हैं, क्योंकि नदी के किनारे है तो बाढ़ का आना स्वाभाविक है। यहां से फिलहाल मौजूदा विधायक हाजी अब्बूस है, जो अभी फिलहाल लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पतंग छाप भी है, ओवैसी के कैंडिडेट भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विनोद यादव भी यहां पे हैं। इस गांव की वोटिंग के बारे में बात करेंगे, इस गांव के जो क्या इस गांव की समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आपको चलते हैं, ले चलते हैं हमारे साथ। इसी वोट को लेके बात करने के लिए मौजूद है मौलाना निजामुद्दीन, जो यहीं के निवासी हैं। मौलाना साहब, ये क्या लगता है इस बार चुनाव में वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं विनोद जी, जी वो जीत पाएंगे? हाँ, या लालटेन छाप से हाजी अब्बूस दोबारा से अब तीस चौथी बार फिर से बनने वाले हैं? नहीं नहीं, हाजी सुभान नहीं जीतेंगे, विनोद यादव जीतेंगे फूल छाप से। इसलिए हाजी सुभान को हम लोगों ने देख लिया है, उनका कोई कार्यरत नहीं है, बाढ़ पीड़ित इलाके में आते नहीं है, काम करते नहीं है, इसलिए हम लोग जो वोट देंगे तो हम लोग विनोद जी को वोट देंगे, फूल छाप में देंगे। क्यों? कि हम लोग संतोष कुशवाहा का काम देख चुके हैं, वो अधूरा छोड़े हैं, विनोद जी ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा को तो अभी एमपी भी दूसरे टर्म में बन चुके हैं, अब तो उनको 15 साल के आसपास होने वाला है जब वे 22 से। हाँ, उन्होंने जो काम किया, इतना काम किया कि हाजी सुभान आकर के उसको तो बर्बाद करके रख दिया, कोई काम ही नहीं किया। देख लीजिए आप, हाजी सुभान का काम देखिए आप और संतोष कुशवाहा का काम देखिए आप। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये काम किया है, बीजेपी ने वो काम किया है, तो विधायक तो हाजी अब्बूस है, जो सड़कें बनी है वो तो हाजी अब्बूस के उससे बनी होगी। नहीं, संतोष कुशवाहा के जमाने में जो बनी है वही सड़कें हैं। नहीं तो अभी तक हाजी अब्बूस ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से आपको राशन मिलता है? लॉकडाउन में आपकी मदद हुई? नहीं, मदद हुई है सारे के सारे। हम लोगों को 5 किलो करके अनाज मिला है, 1 किलो करके चने का दाल मिला है, राहड़ की दाल मिला है। तो वो विधायक के विधायक जब ये नहीं, विधायक जी का नहीं है, ये मोदी जी का देन है। नहीं, मोदी जी का देन है, लेकिन अगर उस इलाके में विधायक जो कुछ करेंगे वो वहाँ पे एक तरीके से बताएंगे मेरे इतने आदमी हैं, तो थोड़ी बहुत तो कोशिश उन्होंने भी की होगी ना, तभी तो आपको राशन मिला है। हाँ, किया होगा, मगर हमको तो हम एक ही बात जानते हैं कि नीतीश जी और मोदी जी ने हमें राशन दिया है, कहा है कि भाई दिन भर नहीं खिला सकेंगे मगर शाम को भूखा नहीं सोने के लिए देंगे। सड़के की बात की जाती है, हम लोगों से मिले हैं, लोगों से बात की है, तो उनका कहना है कि भेदभाव वाले काम किया जाता है, अब हिंदुओं के लिए ये कर दिया और मुसलमानों के लिए ये कर नहीं, दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सड़कें बनती है, अगर हिंदुओं के लिए बनी है सड़कें तो उसमें मुसलमान भी चलता, कहीं ढट्ठा तो नहीं लगा देता है कि मुसलमान नहीं चलेगा। या इंदिरा आवास दिया है तो ये तो नहीं कहा है कि मुसलमानों को इंदिरा आवास नहीं देंगे। मोदी जी 2000 रुपये खाता में दे रहे हैं किसानों को, हर मुसलमान का खाता में 2000 रुपये आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं के खाता में आ रहा है और मुसलमानों का खाता में नहीं आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं भेदभाव। सारे मुसलमान को, जितने किसान है सबको 2000 रुपये खाता में मिल रहे हैं। फिर गरीबों को देखिए, क्या कहते हैं, सिलेंडर भराने के लिए पैसा मिला, फिर देखिए गरीबों ने 1000-1000 रुपया राशन कार्ड का उठाया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने राशन कार्ड में पैसा नहीं उठाया और मोदी ने दिया। लेकिन जो क्या बोलते हैं लालटेन वाले तो कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, आते के साथ ही आपने नौकरी दी कहाँ? अरे उधर वो तो 15 साल रहे तो कुछ नहीं किए, गड्ढा करके रख दिए सड़कों को, नौजवानों को हथियार थमा दिए, तमंचा लेके घूमते थे लालू के जमाने में, वो नौकरी क्या देंगे? वो तो दिलासा दे करके पहले वही वोट मांग रहे तब तो कहेंगे नौकरी देंगे, वोट तो ले लेगा नौकरी दे देगा। अरे भाई पहले नौकरी देता, तुम 15 साल रहा, नौजवानों को तमंचा दे दिया, बिहार में सारे राइफल लेके घूमते थे और नीतीश के जमाने में शासन है, बीजेपी के जमाने में शासन है, पहले 10,000 लेकर के पूर्णिया जाने में लोगों को 22 वाले को सोचना पड़ता था, अभी 1-2 लाख लेकर के 22 से पूर्णिया पूरे घूमो, कोई गुंडा नहीं है, गुंडा राज खत्म हो गया, फिर लालू को देके वोट दे गुंडा राज पैदा करेगा? बिल्कुल वोट नहीं देगा मुसलमान हिंदू, बिल्कुल वोट नहीं भी नहीं। लेकिन वो तो ईद के दिन हम निकलते कपड़ा लेके बच्चों को देंगे कपड़ा और रास्ते में छीना जाता है, वो लालू का जमाना था, अभी तो हम लाखों रुपये लेके चलते हैं,
मुसलमान की लड़कियां सुरक्षित चलती हैं, कॉलेज जा रही हैं, ये हाल है। तो बीजेपी को क्यों नहीं हम वोट देंगे? ये इलाका पूरा विधानसभा जो है और इसके बाद किशनगंज भी पड़ता है जी हाँ, नदियों के किनारे पे बसा हुआ है, बाढ़ पीड़ित का एरिया है हमारा, बाढ़ प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र है। तो एक तो ये बताइए कि बाढ़ प्रभावित के लेकर सरकार ने कोई काम किया है अभी तक, और दूसरा जो ओवैसी जो यहाँ पे चुनाव लड़वा रहे हैं, अपने कैंडिडेट को जो चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या लगता नहीं पोलराइज हो जाएगा? देखिए ओवैसी को वोट भाड़ तो कहीं है नहीं, वोट ओवैसी को है ही नहीं। अब ओवैसी को अगर वोट रहता वो कहता है मुसलमानों का पार्टी है, मुसलमान है, हम मुसलमानों के लड़ते हैं, तो उतर जाके मायावती में खुदे उपेंद्र कुशवाहा में सड़ गया। उपेंद्र कुशवाहा तो कल मेरा था, बीजेपी में था, पहले बीजेपी में था उपेंद्र कुशवाहा, आज और देखते हैं ओवैसी को बीजेपी का उपेंद्र कुशवाहा का हट करके उसके उसको क्या वोट देगा जो? इसलिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, पूरी कुर्मियों ने, यादवों ने खास करके प्लान बनाया है इस बार नीतीश जी का, सुशील कुमार मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, विनोद जी को वोट देंगे और जिता के 22 से भेजेंगे। एक कैंडिडेट है और उधर चार कैंडिडेट है, इसलिए विनोद जी फुल्ली वोटों से जीत रहे। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे एक हर समाज का आदमी यही चाह रहा है कि इस बार फिर से नीतीश की सरकार बन जाए, लेकिन समस्याएं का समाधान नहीं हो पा रहा है। भले ही नीतीश की सरकार इस राज्य में हो, उधर मोदी जी की सरकार केंद्र में हो, लेकिन यहाँ की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महानंदा का कटान होना। महानंदा के कटान की वजह से ये जो सारा गांव जलमग्न हो जाते हैं, उस समस्या को सुनने के लिए ही इनको अब की बार विधायक चाहिए। ऐसा विधायक चाहिए जो उस समस्या में हमें आने ही ना दे, विस्थापितों का टैग हम पे ना लगने दे। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप कुमार, बिहार। एक मिनट सर।